ईसाई हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और उन्होंने अपने आप को हक वाला कहा। हज़रत ईसा हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे मुबाहले का ऐलान किया। अब आगे आयत मुबाहला भी आ रही है, मुबाहले का ऐलान किया। और मुबाहला ये है कि दोनों फरीक एक मैदान में इकट्ठे हों, अपने ख़ानदान के साथ आएँ और वहाँ पर वो जो है वो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें, ऐ अल्लाह जो हम में से हक पर है उसको बाकी रख और जो बातल है उसको अभी नेस्तो नबूद कर दे। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो दुआ मांगी, आपकी बारगाह में हाज़िर हुए। तो मुबाहले का चैलेंज हुआ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है तुम अपने रिश्ते जो है वो अज़ीज़ ले आओ, हम अपने अज़ीज़ ले आते हैं। ठीक है, कुरान मजीद बयान करता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो अज़ीज़ निकले वो कौन थे? खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम मौला कायनात, हज़रत सैयदा फ़ातिमा तुज़्ज़ारा, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ठीक है ना, ये अफराद जो है वो निकले। जब आप हज़रात जो हैं वो मैदान में पहुँचे तो ईसाइयों का जो सबसे बड़ा पादरी था उसने जब ये चेहरे देखे तो कहने लगा कि इनके सामने मुबाहला ना करना, कि अगर इनके हाथ उठ गए अल्लाह की बारगाह में तो तुम में से कोई भी ईसाई बाकी नहीं बचेगा। इस तरह जो है वो वापस लौट गए। ठीक है, तो यहाँ ये बात वाज़े रहे कि इस आया करीमा से जो एक तबका है वो नफ्स अली को, नफ्स रसूल करीम अलैहिस्सलाम जो है वो जानते हैं कि हज़रत अली जो हैं वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ्स में दाखिल हैं, ज़ात में दाखिल हैं। ये याद रखिएगा, हज़रत अली करमुल्लाह वजू करीम की हैसियत महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सामने बेटे की सी है, ना कि नफ्स की सी है। ठीक है ना, क्योंकि आप अब ना में दाखिल हैं क्योंकि आप महबूब करीम अलैहिस्सलाम के दामाद हैं, इस वास्ते जो है वो आप अब ना में दाखिल हैं।